यहां पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है। बालू माफिया घुस गए हैं, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे हैं, टाइम बम बरामद हो रहे हैं। बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उफान भरती बागमती सबको डरा रही है। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ कि मैं यहां आया हूं, वो मां सीता की भूमि है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये गठबंधन ने राम मंदिर को रोक कर रखा, कांग्रेसियों ने राम मंदिर को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा, और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर में रामलल्ला विराजमान है। इनके पेट में इसका दर्द है, इसलिए दर्द पेट में है और सर पीट रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? तुष्टिकरण के चलते ये लालू नीतीश की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बचाकर रखती थी। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारी सरकार ने दरभंगा क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं और 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है और नवंबर 2023 तक डीपीआर भी 1000 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का हम शुरू कर देंगे।